और अब बात आज दिल्ली में लगे जनता दरबार की। दिल्ली के नए नवेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहला जनता दरबार लगाया। उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा जनता सड़क पर उतर आई। हालात ये हो गए कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को जनता को समझाने के लिए सचिवालय की छत पर जाना पड़ा। दिल्ली की जनता को ये यकीन हो चला है कि सरकार जनता की, जनता को और जनता के लिए बनी है, लिहाजा जनता और सत्ता के बीच की दीवार ढहनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पहला जनता दरबार समस्याओं और उम्मीदों की बाढ़ में बह गया। सचिवालय के पास आदमी का हुजूम उमड़ा। मंजर खास ये रहा कि तकलीफों की सड़क पर चल रहा आम आदमी अपनी बात कहने के लिए सरकारी इंतजामों पर चढ़ बैठा। बैरिकेड टूटा, दरबारी दरबदर हो गए। जनता जिस दरबार में आई थी उस दरबार का नेता ही जनसैलाब में बह गया। कड़ी मशक्कत के बाद केजरीवाल भीतर पहुंचे। बाहर खड़ी भीड़ के सब्र का बांध टूट गया। पुलिस देखती रह गई। रेलम्पेल में लोग अंदर दाखिल हो गए। आम आदमी की धरती पर खड़े होकर उम्मीदों का आकाश नापने वाले केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने भी माना कि आशाएं बड़ी थी और व्यवस्थाएं छोटी। सचिवालय का मंजर कह रहा था कि हताशा के कोड़ों से कराहती जनता को भरोसे का मरहम चाहिए। अब ठहरने और रुकने का समय नहीं है। पर इस हाहाकारी भीड़ में भला किसकी बात सुनी जाए और किसे अनसुना किया जाए। पहला जनता दरबार जनता को मायूस कर गया। इतना भीड़ धक्कम धुक्कम में नीचे गिरा दिए। नंबर नहीं मिल पाए बिल्कुल सर। हम मिल नहीं पाए सर से और हम बहुत उम्मीदें लेके आए थे। कोई सिस्टम नहीं है सरकार का यहाँ पे आने का। एक क्यू बनाना चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए जिसके सब पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। कुछ ही देर में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री समझ गए कि समस्याएं सुनने के लिए बुलाया गया जनता दरबार खुद एक समस्या बन चुका है। केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ सचिवालय की छत पर जा पहुंचे और लोगों से माफी मांगी। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी भारी संख्या में लोग आ जाएंगे, तो हमारी व्यवस्था में कमी रह गई। मैं ये मानता हूं और मैं माफी चाहता हूं इसके लिए। दरबार खत्म हुआ और मुख्यमंत्री ने विचार बदला। बोले, अब दरबार तभी लगेगा जब दरबारियों को संभालने की व्यवस्था दुरुस्त होगी। अगले दरबार की तारीख तय करने का फैसला अभी मुलतवी कर दिया गया है। रवीश कुमार और रजत सिंह के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक।